बोरिस जॉनसन ने तालाबंदी कर निकाले कामगार, 74 बेरोजगारों की दो टुक, हमारे पास आत्मदाह के सिवा कोई रास्ता नहीं, इंसाफ नहीं मिला तो कंपनी के गेट के आगे करेंगे सामूहिक आत्मदाह। बंदी के तहत कड़ुवाना स्थित एससी जॉनसन के 74 से अधिक कामगारों ने श्रम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। कामगारों के आरोप है कि उद्योग ने बिना किसी नोटिस के तालाबंदी कर दी। जब दो दिन पहले 1 सितंबर को कामगार कंपनी पहुंचे तो नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा हुआ था कि उद्योग बंद हो गया है। उद्योग ने बिना नोटिस के गेट पर ताला लगा दिया और उनका हिसाब भी नहीं किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उद्योग ने सालों से काम कर रहे कामगारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और ठेकेदारों के लोगों से गेट पर ताला लगाकर अंदर काम करवाया जा रहा है। कामगारों का कहना है कि उद्योग ने जबरन तालाबंदी करके उन्हें सड़क पर खड़ा कर दिया है, बिना नोटिस और हिसाब किए, बिना श्रम नियमों की धजिया उड़ाई जा रही है, जिसके चलते सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह इसी उद्योग के आगे सामूहिक आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। सारी मैनेजमेंट पहुंची करोड़ों में, चोर मैनेजमेंट सारी है, तुम्हारी बारी है। लेबर ऑफिसर हमें न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ। लेबर ऑफिसर हमें न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ। मैनेजमेंट पहुंची करोड़ों में, मजदूरों के हाथों में। लेबर ऑफिसर हमें न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ। चोर मैनेजमेंट सारी है। कोई बात ही नहीं की इस बारे में। लेबर कमिश्नर को मीडिया को बिल्कुल बयान देने से भी मना कर दिया। इवन कि हमने सोचा कि आप पूछें कि क्या बताते हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपकी फेवर में जा रहा है? सर फेवर की बात है, हम तो सर रोड पे हैं, इस टाइम हम रोड पे हैं। हमें इनसे भी उम्मीद ही है, हमें भी इनसे भी उम्मीद ही है कि ये अच्छा करेंगे और बेटर करेंगे। बट सर मैं मीडिया के माध्यम से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, इसके बाद की मैं बात करूँगा, तो सर हम 74 बंदों ने डिसीजन लिया है कि 74 के 74 बंदे इसी गेट के सामने आत्मदाह करेंगे। ये कोई धमकी नहीं है सर, ये रियलिटी है। हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है। और मैं बाकी बंदों से भी चाहूँगा, आप इनकी भी ले सकते हैं बातचीत, कि हमारे पास आत्मदाह के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने जिंदगी लगा दी यहाँ 5 साल से लेके 26 साल तक, यार रातों रात हमारा काम किसी और को दे दिया, ये कौन सा न्याय है? मैं जो उद्योग मंत्री है श्री विक्रम सिंह जी, मैं मीडिया के माध्यम से उनसे भी जानना चाहता हूँ, यार कौन से ऐसे काले कानून बनाए गए हैं यार, जिसमें रातों रात ताला लगा के कामगारों को बाहर करके किसी दूसरे ठेकेदार को काम दिया जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है जयराम जी से, विक्रम सिंह ठाकुर जी से, उद्योग मंत्री SDM नालागढ़ से, और प्रशासन से सर, लेबर ऑफिसर से, कि अगर आज तो चलो हमारे साथ धक्का हो रहा है यार, बोलते हैं कानून है 25 है 25D है, हमने नहीं पढ़े सर कानून, हम तो एक मिडिल क्लास बंदे हैं, 10 पढ़े हुए हैं, ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं। आज इम्प्लॉई को अगर कानून सिखाया जाता है तो क्यों, हमें चाहते चलो हमारे साथ तो धक्का हो जाए यार, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, कम से कम काले कानून है जो ऐसे तो ना बनाए जाएँ कि रातों रात बंदे के अकाउंट में हिसाब किताब हो जाए। और बंदे अगर आप ऑथराइज ही नहीं हैं तो ये सैकड़ों जो बेरोजगार आए हैं, आप क्यों आए? देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जो भी वर्बल या रिटर्न कम्युनिकेशन होता है कंपनी की तरफ से जी, वो पर्सन ऑथराइज होता है। अभी ये जो है ये मीडिया इंटरेक्शन है, तो मीडिया पर्सन के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ। मैम आपके बारे में बयान दी है कि आप इनको ऐसे बोल रहे हो। देखो सर नहीं, आप किसी को क्या बोलूँगी, आपके GM साहब क्यों नहीं आना चाह रहे हैं या कंपनी की मेन मैनेजमेंट क्यों नहीं आ रही है लेबर कोर्ट में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं HR डिपार्टमेंट में हूँ और GM का जब HR डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है मैम, आपको पता कि आप इनकी हायरिंग भी करते हैं जी, कोई गलती हो जाए तो आप इनको बाहर भी निकाल सकते हैं। देखो लेकिन आज ये सैकड़ों बाहर निकले, सारी मैनेजमेंट पहुंची करोड़ों में।
मैनेजमेंट पहुंची करोड़ों में, मजदूर पहुंचे करोड़ों में, चोर मैनेजमेंट सारी है, अब तुम्हारी बारी है। लेबर ऑफिसर हमें न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ। लेबर ऑफिसर हमें न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ। मैनेजमेंट पहुंची करोड़ों में, मजदूर पहुंचे करोड़ों में, लेबर ऑफिसर हमें न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ। चोर मैनेजमेंट सारी है, अब तुम्हारी बारी है। एंस्टा न्यूज़ के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।